ओम नमो नारायण, ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से। आज आपको एक लौकी के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही मतलब पौष्टिक तो बोलेंगे ही, साथ ही वो 12 महीने फलती है, सूखती नहीं है ठंड में भी। और इसको मैं आपको दिखाऊंगा वास्तव में। लेकिन एक चीज़ है कि देखिए, मैं कोई भी चीज़ पहले से तैयारी करके नहीं वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए मेरे शब्दों पे मत जाइएगा। और आगे पीछे वीडियो में होती तो लास्ट तक देखिएगा, ताकि तभी आपको समझ में आ पाएगा, क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं हैं, हम तो बस जानकारी के लिए बनाते हैं वीडियो आपको, आप लोगों के लिए। तो देखिए, मैं ले चलता हूँ, ये लौकी है और इस लौकी के बारे में भी बताऊँगा, तो आप आश्चर्यचकित होंगे। देखिए, पिछले साल हमने जुलाई में लौकियाँ लगाई थी है। और ये तो अभी हमने कम फल तोड़े हैं, अभी बहुत है और एक ही पेड़ में है। और इसकी ख़ास बात ये कि ये ठंड में होती है, सूखती नहीं है। जैसे ठंड में बाकी लौकी की बेल सूख जाती है, देखिए यहाँ पे ये सूखी पड़ी है नीचे बेल, तो ये मैंने बागेश्वर की लौकी बोई थी तो सूख गया। अभी मैं आपको इसको बीज फल सब दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, आराम से देखिएगा लास्ट तक। तो ये है लौकी, जिसको हम बोलते हैं, ये बंगाली लौकी हमारे यहाँ बोली जाती है। हरे रंग पे हल्की सी होती है, आप देख रहे होंगे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ पिक्चर में, आप देख रहे होंगे। और इसका आपको मोटा मोटा दिखा दो, देखिए ये बीज देखिए कितना बड़ा है। और इस लौकी की खासियत क्या है, देखिए हम लोग वो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि लौकी खानी चाहिए, जिससे हमारा ब्लड का पीएच लेवल सही रहेगा, हमारा जो ब्लड है वो क्षारीय बना रहेगा, एसिडिक नहीं होगा, एल्कलाइल होगा। लेकिन वो लौकी से क्या फ़ायदा, ये देखिए कितनी नरम सॉफ्ट लौकी, अभी तो वहाँ मैंने थोड़ी सी तोड़ी है, इस तरीके से इसमें बहुत लौकियाँ लगी पड़ी है। वहाँ पर देखेंगे, जहाँ देखेंगे वहाँ लौकी, जहाँ देखेंगे वहाँ लौकी। और अभी परसों भी 9-10 तोड़ के गई थी, और हम तो इसे फरवरी के एंड से ही खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, पड़ोसी भी खा रहे हैं, और कुछ सगे संबंधी भी खा रहे हैं। तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि लौकी देखिए कितनी शानदार लगती है, और इसमें कोई हमने कीटनाशक खरपतवार नहीं डाला। ये देखिए खेत है नीचे, और ये मेरी बाइक खड़ी है, और यहीं से हमने इसका पौधा पिछले साल ऊपर छत पर चढ़ा दिया था, थोड़ी मेहनत लगी थी, चढ़ने के बाद फिर सही हो गया। तो इस लौकी को हम नवंबर दिसंबर में भी उगा मतलब जुलाई अगस्त में लगा दें तो भी ये नवंबर दिसंबर में फल देगा। उसके बाद देखिए ये फरवरी से ही चालू हो गया, जबकि हमारे यहाँ आपको पता है उत्तराखंड में ठंडा मौसम रहता है आपके क्षेत्र के मुकाबले, तो ये लौकियाँ होती हैं और इसके अंदर भी ये देखिए लौकियाँ। और जैसे जैसे अभी ये बरसात हुई, इसको पानी नेचुरली मिला तो और बढ़िया, अब ये कल्ले दे के फलेगा, चाहे गर्मी आ गई तो अब ये काफ़ी फैलेगा और पूरा छत भर जाएगा, इससे हमारी देखिए छत भी ठंडक रहेगी नीचे। हाँ, वैसे यार ठंडे की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि कोई रहता नहीं है नीचे, लेकिन ये है कि आराम से यहाँ पे ठंडा वातावरण रहेगा और लौकी नेचुरल रूप से मिल रही है। और ये देखिए कितनी शानदार है, तो इसकी हम सब्जी बना के खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। इस लौकी के खाने से इतना गुणकारी होगा पूछिए मत, एक तो नेचुरली है और वैरायटी चेंज है। तो इस वैरायटी की जितनी भी लौकियाँ होती हैं स्वाद में थोड़ी अलग होती हैं, जो लंबी लौकी होती हैं वो उनका स्वाद अलग होता है, और इसका यही गोल वाली लौकी हमारे घर में यही पसंद करी जाती है हमेशा। तो ये काफ़ी है, 10-10 किलो तक की लौकियाँ हो जाती है, 5-5 किलो तक की लौकी हो जाती है, लेकिन वो कच्ची रहती है, पकती नहीं है, मतलब उसका हम सब्जी आराम से बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं, कोफ्ते बना सकते हैं। देखिए कितने शानदार दिख रही है, अभी सुबह सुबह का टाइम है। तो इसके बारे में मैं बताऊँ, और इस लौकी के हमने 5-6 बीज पके थे, इससे इतने मोटे मोटे देखेंगे कम से कम ये 15 किलो का होगा, 15-20 किलो का ये होगा जो लौकी यहाँ रखा हुआ है, मैं इससे कम नहीं समझता क्योंकि ये सूख गया है बहुत। और इसी तरीके से 5-6 पकी थी, सब बीज ले गए यहाँ पे धान लगाने के लिए, जो लेबर रहती है हमने बीज तोड़ के नीचे रख दिया था, ऊपर से छत से नीचे गिरा दिया, फट गया था, ऐसे ही बाहर ही रखा था कि मैं इतनी बीज का करूँगा क्या, कोई ना कोई तो ले जाएगा। तो ये लगेगी, आप देखिएगा ये लौकी है, और इसको तो मैं सोचा अगले साल से इसको अपना वो बर्तन बना लेंगे थोड़ा सा काट के ऊपर से, और इसी में बीज स्टोर करा करेंगे। और यहाँ पे एक लौकी है जो सूख गई है, वो देखिए बागेश्वर की लौकी है, बागेश्वर बोले तो अल्मोड़ा ज़िला, जो कि हिमालय का निचला क्षेत्र माना जाता है, नैनीताल से ऊपर और हिमालय से लगा हुआ। तो ये वो लौकी है, बागेश्वर की लौकी है, इसको वहाँ पे पहाड़ी लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन फलता कम है और ये ठंड में सूख जाता है, ये जबकि ठंडे एरिया का है, लेकिन फिर भी ये ठंड यहाँ का नहीं झेल पाया उधमसिंह नगर का, और ये चला गया। लेकिन ये जो गोल वाली हरी लौकी है ये हमेशा रहती है, और इसके बारे में मुझे अभी पता चला है 4-5 दिन पहले, जब इस पर मेरी किसी से चर्चा हो रही थी, कि ये किसी के घर में 5 साल से लगा हुआ है, और आप मानेंगे नहीं, पैर के जांग जितनी मोटी तना हो गया, लेकिन वो सूखा नहीं, उससे भी ज़्यादा टाइम से है। तो ये मतलब कि बहुवर्षीय हम इस लौकी को मान सकते हैं, कि एक बार इसकी बेल लग गई, पौधा बन गया,
ऊपर फैल गई झाड़, इसकी जो बेल है, तो फिर उसके बाद ये सूखने वाला नहीं है और कई साल तक फल देगा, ऐसा हम कह सकते हैं। मैंने सुना है, ऐसा बताया गया था मुझे, क्योंकि हम लोग तो चर्चा करते रहते हैं, तो इस तरीके से पता चला है। तो ये लौकी, अगर आपको भी बीज मिले तो इसे लगाइएगा, और लौकी इसी तरीके की होनी चाहिए जो हम एक बार लगाएं और हमेशा खाएं। और देखिए इस पर कितने लौकी, कितनी खा सकती है, एक या दो, सप्ताह में 2 दिन से ज़्यादा तो कोई खाएगा नहीं। तो और फल भी आपको मैंने दिखा दिया, पेड़ों में भी कितने लगे हैं, छोटे फल भी हैं, बड़े भी हैं, तो ये फलता खूब है। तो इस तरीके से अगर किसान भाई कोई चाहे तो नदी नाले किनारे या छतों पे लगा सकते हैं, और जो बेचना चाहे तो इसकी खेती करके बेच भी सकते हैं, क्योंकि गोल लौकी की कीमत लंबे लौकी जो आती है उससे दुगनी होती है, हमारे यहाँ तो दुगनी रेटों में बिकता है। तो ये लौकी है, इसको खाइएगा और लगाइएगा, और बीज जिसको चाहिए होगा बता सकता है, बीज मैं भेज दूँगा। क्योंकि इस लौकी को अभी तो मैं 2-4 दिन में इसके बीज निकालूंगा, तब सुखा करके रख लेंगे। और बाकी तो 2 लौकियों का बीज जा चुका है, सब लोग ले गए। तो इसी के साथ ही देखिए, ये छोटी सी एक जानकारी थी और बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप लौकी के शौकीन हैं तो इसको ज़रूर एक बार लगाइएगा, मेरी ये रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्राकृतिक माता की।